बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं अनम। आप देख रहे हैं अनम असलान ब्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है ईद का दूसरा दिन और हम बना रहे हैं चपली कबाब। गर्मी की शिद्दत में और ज़्यादा इजाफा हो चुका है, पर हमने बनाने हैं मज़े मज़े की रेसिपीज़ और ख़ुद भी खाना है और घर वालों को भी खिलाना है। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से चपली कबाब। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है। सबसे पहले तो हमने ले लेना है बीफ का कीमा, और कीमा आपने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, मशीनी कीमा है। हमारे पास ये जो कीमा है हमने बाहर की मशीन से करवाया हुआ है, और थोड़ा सा ये थिक है, पर हम जब इसे मसाले ऐड करेंगे और दोबारा से मशीन में मिक्स करेंगे तो ये पतला हो जाएगा। ठीक है, आप क्वांटिटी इसकी आप ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी मैंने कम दिखाई है, लेकिन हम जो कबाब बनाएंगे वो कम से कम 1.5 किलो के हिसाब से कीमा होगा जिसके हम चपली कबाब बनाएंगे। और इन्ग्रीडियंट्स हैं इसके हैं बहुत ही सिंपल से, हमारे पास ये मौजूद हैं इन्ग्रीडियंट, जिसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है जी अजवाइन, फिर हमारे पास हरी मिर्चों का पेस्ट, लहसुन आप इसके अंदर अलग से भी डाल सकते हैं अगर आप पेस्ट नहीं डालना चाहें, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, धनिया, एक अदद हमारे पास है यहाँ पर अंडा, प्याज, और यहाँ पे मकई का आटा। ठीक है, तो ये है सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले तो आपने प्याज को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, यानी बहुत ही बारीक सा करके आपने बिल्कुल अच्छी तरह से इसे पीस कर लेना है। इसका पानी नहीं होना चाहिए प्याज का, और तमाम मसाले आपने डाल देने हैं। ठीक है, मकई का आटा भी आपने डाल के उसे मिक्स कर लिया, और फिर अब आपने कोशिश करनी है कि प्लेटर आप बड़ा ले लें, क्योंकि अब है इसके मिक्सिंग का मरहला। इस छोटे से प्लेटर में तो ये मिक्स नहीं होगा, आपने एक बड़ा प्लेटर लेना है जिसमें आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। हमारे पास यहाँ पर कीमा ज़्यादा है, तो हमने 2 अदद अंडे डाले हैं, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कर सकते हैं। कीमा कम है, हमारे पास ये 1.5 किलो का कीमा था तो हमने 2 अंडे डाले हैं, ऐसे कम कीमे की क्वांटिटी है तो आपने 1 ही अंडा डालना है और 1 ही प्याज डालना है। अब अच्छी तरह से तमाम कीमे को हम मिक्स करेंगे अपने हाथों की मदद से। कोशिश कीजिएगा कि प्लेटर अपना बड़ा रखेगा ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो। जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से आपने इस तमाम मिक्सर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि बिल्कुल कीमा जो है वो यकजान हो जाए, तमाम मसाले उसमें मिल जाएँ। ठीक है, उसके बाद आपने इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ढककर, ताकि ये सेटल हो जाए। थोड़ी देर के लिए इसे आपने फ्रिज में रखना है, और उसके बाद ही फिर आपने कबाब बनाने हैं। हमें आधा घंटा गुजर चुका, तो उसके बाद हम बना रहे हैं यहाँ पे कबाब की टिक्कियाँ। ठीक है, और कोशिश करना है कि आप बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है, क्योंकि फिर थिक रखने से ये होगा कि अंदर से ये सही से पकेगा नहीं, कच्चा रहेगा, तो इसे थिन ही रखेगा ताकि, और आप ऑयल या पानी की मदद से टिक्कियाँ बना सकते हैं ताकि आपके हाथ में जो मसाले वगैरह डाले हैं वो ना कशिश करें या ना इचिंग करें। ठीक है, आप तेल के साथ भी टिक्कियाँ बना सकते हैं आराम से, वो हमारे हाथों के साथ ज़्यादा स्टिकी भी नहीं होगा, और 2 से 3 दिन तक आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, सेफ करके, ख़राब नहीं होगा। लेकिन 2 से 3 दिन की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा टाइम के लिए इसे मत रखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है ये ख़राब भी हो जाए। अब हमें जितनी भी कबाब की ज़रूरत है उतने कबाब बना लेंगे। अच्छी तरह से हमारे यहाँ पर कबाब बना रहे हैं, हमने शेप इतनी अच्छी बनाई है, और बीच में हमने सेंटर में यहाँ पर रख दिया है ये टमाटर। तो अब है फ्राई का टाइम, अब हम इसे फ्राई करेंगे, कबाब बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार। और कोशिश कीजिएगा कि ऑयल आपका थोड़ा सा गर्म हो, तब भी उसकी साइड को चेंज कर दीजिएगा, वरना क्या होगा ये साइड टूट जाएगी, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश कीमा है तो इसकी साइड टूटने का अंदेशा होता है। और अगर फिर भी इसकी बाइंडिंग ठीक से नहीं है तो आप ब्रेड इसमें डाल सकते हैं, उससे इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। माशाल्लाह से हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं, चपली कबाब रेडी हैं, हमारा जो लंच तैयार है। अब हम तो करेंगे कबाब के साथ लंच, आप सर्व करें इसे प्याज और हरी मिर्चों के साथ, बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस किस्म के चपली कबाब तैयार हैं। डिनर के लिए हम गए थे मामू के घर में, दावत थी जहाँ पर अब सब कज़नों से हम मिल रहे हैं बारी बारी। ये सब मेरी कज़नें हैं, बहुत स्वीट और मासूम सी, यहाँ सबसे हमने मिल लिया, और अब चलते हैं देखते हैं के खाने में क्या क्या बनाया है। माशाल्लाह से खाना बहुत अच्छा बना था, हर एक चीज़ बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पर ये है टिक्का बोटी जो कि बहुत ही मज़े के थे, फिर है जी यहाँ पर मखनी हांडी, कीमा, पुलाव। माशाल्लाह से सब ही खाना बहुत ही अच्छा था। आज था ईद का दूसरा दिन और ये थी हमारी पहली दावत। मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मुलाकात होती अगली वीडियो में। अल्लाह की अमान।